अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरे सारे प्यारे व्यूवर्स। तो आज मैं लेके आई हूँ केरी का मुरब्बा, जो हमारे बड़े बुरे पुराने ज़माने में जो बनते थे, बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी मैं लेके आई हूँ। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे मैंने 1 किलो हमारे पास रॉ कैरी है और 1 किलो शुगर है। तो सबसे पहले हम 1 पतीले में शुगर डालेंगे, 1 kg शुगर है, और 1 कप हम पानी ऐड करेंगे ताकि हमारी शुगर है वो डिज़ोल्व हो जाए। बिल्कुल पुराने ज़माने में जो औरतें बनाती थी, हमारी दादियाँ नानियाँ सब बनाती थी, इसी स्टाइल में मैं लेके आई हूँ। आजकल का नया ज़माना है, हर कोई नई नई चीज़ें निकालता है, तो हमने बोला हम पुराने ज़माने के हिसाब से चलते हैं। बहुत टाइम हो गया उनके हाथ का खाना खाया हुआ, वो चीज़ें जो बनाते थे उनकी बात ही कुछ और थी। तो यहाँ पे मैंने जो कैरी है इसकी जो स्किन है उसको मैंने रिमूव कर लिया, उसको पानी में डिप कर लिया है। अब इस तरीके से मैं इसको काटती जाऊँगी, क्योंकि मैं मशीन के ज़रिए इसका छूंदा करूँगी, क्योंकि आजकल नया दौर है, अब हाथ वाली चीज़ बहुत मुश्किल से मिलती है, बहुत फास्ट ज़माना है। तो अब यहाँ पे मैंने ये जो चीनी थी हमारी वो डिज़ोल्व हो गई है, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा दूध डालूंगी ताकि जो हमारी जो मिट्टी में थोड़ी बहुत चीनी में जो मिट्टी होती है उसको हम साफ़ कर लेंगे, बिल्कुल क्रिस्टलाइज हो जाएगी हमारी ये चीनी और बहुत अच्छा इसका लुक आता है बहुत। तो अब यहाँ पे ये देखें, मैंने यहाँ से सब साइड से इसको मैं रिमूव करती जा रही हूँ, बिल्कुल इसको स्लो फ्लेम पे रखा हुआ है, तो जितना भी हमारा ये मिट्टी होती है, डस्ट होती है, वो साइड से रिमूव हो जाएगी और हमारी जो चीनी है वो बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाएगी। अब यहाँ पे ये देखें, ये मैं डाल रही हूँ दालचीनी है, जो दालचीनी 4 स्टिक है दालचीनी के और 6 से 7 लौंग है, और थोड़ा सा मैंने कलर डाला है, कलर आपके ऊपर है, अगर आपको ज़्यादा डार्क पसंद है वो भी आप डाल सकते हैं, इट्स अप टू यू। अब यहाँ पे जो मैंने केरी जो मैंने काटी थी उसको इस तरीके से मशीन के ज़रिए मैं इसका चूंदा कर रही हूँ, और बहुत अच्छा इसका लुक भी आता है, तो बहुत इजी हो गया अब हर चीज़ बनाना, मशीनें बहुत आ गई हैं, तो बनाएं खिलाएं अपने घर वालों को। अब ये देखें हमारी ये जो चाशनी थी वो रेडी हो गई है, 1 तार की हमें बनानी है, इससे ज़्यादा नहीं। अब यहाँ पे ये जो केरी थी वो मैं इसमें डाल रही हूँ, उसको अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी, क्योंकि केरी का भी अपना एक पानी होता है वो छूटता है, तो उसको थोड़ा सा टाइम लगता है उसको गाढ़ा होने में, तो अच्छी तरीके से हम इसमें मिक्स कर देंगे और थोड़ी सी धीमी आँच पे, मीडियम टू स्लो फ्लेम पे हम इसको छोड़ देंगे और इसका ढक्कन ढक देंगे। बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है, और बिल्कुल जो पुराने ज़माने में लोग बनाते थे हम उसी स्टाइल में लेके आई हूँ मैं आप लोगों के लिए। तो देखें कितना अच्छा इसका लुक आ रहा है, अब देखें पानी इसका थोड़ा थोड़ा बाहर निकला है, तो अब इस तरीके से हम इसको स्लो फ्लेम पर छोड़ देंगे। अब देखें, अब मैं इसको इसका लिड लगा रही हूँ 5 से 10 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे, और यहाँ पे मैंने पानी में कुछ बादामें मैं ऐड कर रही हूँ, हेल्दी चीज़ है, बच्चों को खिलाए। अब यहाँ पे देखें मैंने इसका ढक्कन रिमूव कर दिया है, तो यहाँ पे मैं इसको चेक कर रही हूँ, अब देखें कितना गाढ़ा हो चुका है, बस इतना ही हमें रखना है, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। तो वहाँ पर जो बादामें थी वो मैंने गर्म पानी में डाल दी है ताकि उसका जो छिलका है वो उतर जाए। अब मैं इसको निकाल रही हूँ, डिश आउट कर रही हूँ, गरम गरम है, तो अभी आप कोई भी कंटेनर में नहीं मत डालिएगा। अब यहाँ पे जो हमारे बादाम है उसको भी मैं रिमूव कर रही हूँ, और इसको हाथ से बहुत इजीली इसका जो छिलका है वो निकल आता है। अब देखें ये हमारी कितनी साफ़ सुथरी हो गई बादाम है, अब इसकी 2-2 पीस करके मैं डाल सकती हूँ। आप कुछ भी इसमें ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं, इस तरीके से मिक्स कर दीजिएगा और इसको कोई भी अच्छे साफ़ सुथरे कंटेनर में डाल के आप 6 से 7 महीने 1-1 साल तक भी ये मुरब्बा आपका ख़राब नहीं होगा। और आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और मुझे अपनी दुआओं में याद कीजिएगा। अब तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।